कानपुर। अभी बीते दिन थानाबाद शाहीनाका क्षेत्र से 7 वर्षीय विराट सोनकर की गुमशुदगी के बाद हत्या के मामले का खुलासा भी नहीं हुआ और फिर कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में 3 बच्चों के गुमशुदा होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के साथ जेसीबी आनंद प्रकाश तिवारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना को संज्ञान में लेकर एसीपी बाबू पुरवा के निर्देश पर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह और चौकी प्रभारी धर्मा कुशवाहा द्वारा 24 घंटे से पहले तीनों बच्चों को साकुशल बरामद कर फिर से कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर चार चांद लगाने का काम किया है। बताते चले, परवेज और सर्वेश नाम के दो सगे भाइयों के बेटे रेहान और सुफियान के साथ करीब 13 वर्षीय ईशा रविवार को करीब 4 बजे घर से बिना बताए कहीं निकल गए। काफी देर घर न लौटने पर परिजनों ने मोहल्ले व आसपास के क्षेत्रों में ढूंढना शुरू किया तो तीनों बच्चों का कोई भी पता नहीं चला, जिससे घबराकर परिजनों ने आनन फानन में घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी तो जूही थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी मिलिट्री कैप धर्मा कुशवाहा के द्वारा तुरंत ही घटना को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर कई टीमें गठित कर दी गई। देर रात जिला उन्नाव क्षेत्र के एक युवक द्वारा तीनों बच्चों के पहचाने जाने की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही तुरंत थाना प्रभारी जूही के साथ चौकी प्रभारी मिलिट्री कैंप धर्मा कुशवाहा परिजन के साथ उन्नाव जिला पहुंचे और तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर एसीपी बाबू पुरवा सहित जिले के अन्य अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। बच्चों से जानकारी करने पर पता चला कि घर में बिना बताए बच्चे अपनी उन्नाव की मौसी के यहाँ मेला देखने गए थे। बच्चों को कहीं से नकली नोटों की गड्डी मिल गई थी जिससे वे असली पैसा समझकर उन्नाव मेला देखने निकल गए। वहीं इस पूरे प्रकरण में गुम हुए तीनों बच्चों के परिजनों ने थाना प्रभारी जूही जितेंद्र सिंह के साथ चौकी प्रभारी मिलिट्री कैप धर्मा कुशवाहा की प्रशंसा करते हुए कानपुर पुलिस का धन्यवाद किया जो 24 घंटे के अंदर ही तीनों बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से बच्चों की सकुशल होने की सूचना देने वाले उन्नाव जिले के युवक को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। कैमरामैन ऋतिक गोयल के साथ सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।